गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल हूँ मैं पहाड़ से। तो कैसे आप सब आए हो, आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने गांव जा रही हूँ आंवलाकोट, तो आज हम आंवलाकोट का ट्रैक करेंगे। तो रास्ता आप देख ही सकते हैं, अभी तो ठीक है, अभी तो सीमेंट वाला रास्ता ऊपर तक थोड़ा, पर उसके बाद है, उसके बाद तो क्या बोले, तो अभी से सांस फूलने लगी है। और ये रहा हमारा जो है वो हाई स्कूल, हमने जो यहीं से 6 से 10 तक जो है वो पढ़ाई की, और अब हम जाएंगे आगे। ये देखिए जंगल, एकदम मतलब घना जंगल, डर भी लग रही है। खैर सुबह तो नहीं है, बज गए 8:30 तो हो ही गए, लेकिन क्या है कि आज थोड़ा मौसम भी वैसे ही हो रखा बारिश का, तो देखते हैं। तो हम आज ही हमने कहा कि आज ही चलते हैं आज, क्योंकि ठंडा भी था तो इसीलिए हमने कहा आज चलते हैं। और क्योंकि और दिन तो ये रहता है कि बारिश वो धूप लगी होती है, तो धूप में तो और परेशानी, तो हमने कहा आज मौसम सही हो रखा है तो आज सही रहेगा ट्रैकिंग के लिए। तब ये जो है वो यही स्कूल का जो विज्ञान प्रयोगशाला है वो है, और ये रे स्कूल हमारा गांव बाड़ियों। और हाँ इधर भी आपको बताऊंगी, ये जो है वो गांव है धनियार। और देखिए आप पहाड़ का जो व्यू है कितना प्यारा है, आज जो मौसम हो रखा है बहुत ही प्यारा हो रखा है। तो अब हम चलेंगे ऊपर, अपने ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं और आगे आपको आगे का व्यू बताते हुए जाएंगे कि रास्ते में क्या क्या घर पड़ते हैं। अभी यहाँ ऊपर भी एक घर पड़ेंगे, वहाँ भी आपको बताएंगे। और ये जो आप टंकी देख रहे हैं यहीं से जो है पानी सप्लाई होता है, यहाँ मतलब ऊपर जो है एक गधेरा है तो वहाँ है मेन टंकी, तो जिसका पानी सभी जगह सप्लाई होता है हमारे यहाँ, हमारे गाँव में, अगल बगल के गाँव में। और एक टंकी अभी फ़िलहाल ही में बनी है, तो यहाँ कभी पानी मतलब जो गधेरे का है वो दूसरा पानी है, और जो ये टंकी है इसका दूसरा पानी है, तो दो दो कनेक्शन है। कभी इसमें नहीं आएगा तो उसमें आ जाएगा, कभी उसमें नहीं आएगा तो इसमें आएगा। और शायद इसको थक लग गई है मुझे लग रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम कितना है, अभी तो 5 मिनट मतलब घर से ऊपर ही आए, तो अभी इसे थक लग गई तो बाद में क्या हाल होंगे। और ये थैले में हम अपने लिए सामान वामान ले गए, क्योंकि वैसे रात के लिए स्टे तो नहीं करना हमने, बट ये है कि दिन में के लिए तो चाहिए ही, तो सब्जी ले गए हम, वही बनाएंगे और नाश्ता तो हम करके गए हैं। तो साथ जो है वो दादाजी भी आए हैं, तो ये रहे दादाजी, उस समय पहले वो निकल गए थे पहले ही, और हम दो थे। और इधर आपको मैं हरिद्वार से आए हैं, यहाँ का व्यू दिखाऊँगी। ये जो आप नीचे ये देख रहे हैं ये घर जो, तो देख ही सकते हैं आप कितने जंगल के बीच में हैं। तो और यहाँ ऊपर भी जहाँ हम कल गए थे वो ये है, और बहुत ही गर्मी भी, देखो आज मौसम भी ठीक ही है बट गर्मी हो रही है बहुत, क्या करें। और हमें जाना है वहाँ, वो यहाँ ऊपर जाना है हमें, तो क्या होगा पता नहीं। और ये जो नदी है ये सीधा जाती है, जो नया नदी है ये सीधा जाती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में जो संगम है तो वहाँ जाके ये गंगा का रूप ले लेती है। और मैं पानी पीऊँगी क्योंकि बहुत ही प्यास लग गई है, और हम पीते हैं पानी क्योंकि बहुत ही प्यास लग गई है, तो इसलिए हम बड़ी बोतल ला रखे हैं 2 लीटर की, क्योंकि वहाँ पीते पीते वैसे तो आधे रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी, बट फिर भी देखते हैं। तो दादाजी बताएंगे कि यहाँ जो जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो बताइए। ये बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ हिरन, मृग, बाघ, भालू और बारहसिंगा, सौलू और मुर्गे, मोर, दुनिया भर के हैं रहते हैं। और यहाँ बहुत घना घोर जंगल है,
मगर हमारे जंगल में तो भालू बाघ आदमी को अभी तक नहीं खाया। इधर यहाँ से 12-14 किलोमीटर में एक आदमी को तो जान से मार दिया। ये काम करने वाले जो 8 दुतियाल थे ना, उनमें से एक लड़का को बहुत बुरी तरह से मार दिया। मगर वो थे 8-10 आदमी। मतलब पहले यहाँ सुनाई नहीं देता था कि किसी ने बाघ ने किसी आदमी पर हमला किया हो, लेकिन इस बार जो है वो बाघ ने 2 आदमियों पर अटैक किया है, तो इसीलिए जो मैसाक बाग कहते हैं वो लगा हुआ है। तो लोगों को काफ़ी डर लगा है कि अब पहले हम घूमने जाते थे मॉर्निंग वॉक पे 5 बजे, अब लोग डर के मारे जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अब सबको अपनी जान प्यारी है तो सब क्यों जाएंगे। तो इसलिए आज बहुत दिन के बाद 4 साल के बाद मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मैं पहले गाँव ही में रहता था, अभी बाड़ियों आ गए, मेरे लड़के नाती पोते सब बाड़ियों में हैं और मैं यहीं पर रहता हूँ। मैं भी अभी 4 साल से, पहले मैं ओला कोठी में रहता था और 42 साल तो मैंने नौकरी की बाहर ही रहा। पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, यूपी, और अब घर में आ गया रिटायर होकर के 60 साल की उम्र में, और अब यहाँ पर हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा है, रोड है सामने, घर के सामने ये शिल्पा की मामा की नाना की लड़की है और वो वहाँ प्रिंसिपल है हरिद्वार में, और वो यहाँ आई है 5-10 दिन के लिए और फिर वो चले जाएगी प्रिंसिपल। तो जिसको भी अपना एडमिशन करवाना हो प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं, तो मुझे बताइए तो मैं उससे प्रिंसिपल से बात करूँगी, तो आपके स्कूल में आपको एडमिशन दिलवा दूंगी मैं, ठीक है। प्रिंसिपल साहिबा अभी थोड़ी बिजी हैं फ़ोन में, और अब चलते हैं हम क्योंकि काफ़ी देर से बैठ गए हैं, 10 मिनट हो ही गए, पानी वानी पी लिया, अब थोड़ी थकान थोड़ी मिट गई, अब थोड़ी ऊपर जाके हम, बहुत चढ़ाई है, चढ़ाई तो बहुत है, हाँ अब हम ऊपर जाके थोड़े बैठेंगे, वहाँ से भी आपको थोड़ा इधर उधर का नज़ारा दिखाएंगे और बातें करेंगे। हम गुल्ला जूता हमारा यहाँ पर है और हम मतलब उसमें पत्ते भी चढ़ाते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं, ये छोटा सा गुफा जैसे है। तो हम यहाँ पे जो तुंगा है, तुंगा बोलते हैं इसके लिए, तो ये चढ़ाते हैं हम उसमें, तो ये उसमें डालना ही है मतलब आते जाते समय। हाँ, तो अब